हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अकाउंट असिस्टेंस पंचायत राज के एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा 22 तारीख यानी कि आज की नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है एडमिट कार्ड को रिलेटेड। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशन शो हो रही होगी, यहाँ पे पूरी डिटेल्स लिखी हुई है एडमिट कार्ड के रिलेटेड, आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। एग्ज़ाम की बात करूँ तो 11 तारीख को एग्ज़ाम है, 11 नवंबर 12 बजे से लेकर 2 बजे की टाइमिंग है इसकी। तो जो इसके एडमिट कार्ड हैं वो 22 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि आज से डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि कैसे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं अकाउंट असिस्टेंस का। तो सिंपली आपको करना क्या होगा, अपने गूगल पे एक सर्च करना है jkssb.nic.in, या से आप ये URL जो भी इनका है वो आप सर्च करेंगे तो इस तरह से jkssb की ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो स्लो नेट की वजह से टाइम ले सकता है, लेकिन यहाँ पे ये खुल चुका है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है हॉल टिकट्स एडमिट कार्ड फॉर OMR बेस्ड रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट असिस्टेंस पंचायत राज। ठीक है ना, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी दिखाएगा कि आपको एप्लीकेशन ID नंबर, यानी कि आपके पास एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए और आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको पता होनी चाहिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। तो आपको सिंपली जो भी आपको फॉर्म फिल किया था, आपने अपना जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड किया होगा, तो आपको सिंपली वो एप्लीकेशन फॉर्म के जो टॉप पे लिखा होगा आपका एप्लीकेशन नंबर, तो आपको सिंपली एप्लीकेशन नंबर वहाँ से नोट डाउन करके लिख लेना, जस्ट कॉपी कर देना है और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, जैसे कि ये पेज ओपन हो चुका है, यहाँ पे लिखा होगा jkssb अकाउंट्स असिस्टेंस पंचायत कैंडिडेट लॉगिन। आपको सिंपली यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होगा और नीचे डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डाल देने, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो यहाँ पे आपको सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका ईयर होगा सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट आता है, आपको मंथ सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपकी जो भी डेट होगी, ठीक है, वो आप स्पेसिफिक डेट यहाँ पे एंटर करने के बाद आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक कर देना है। ऐसे आप आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करते तो ये टिक में कन्वर्ट हो जाता है, टिक पे कन्वर्ट होगा तो आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपकी जो एडमिट कार्ड होगा वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो आपको सिंपली करना क्या होगा, जैसे ये एडमिट कार्ड शो हो रहा है तो आपको सिंपली यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा आपको प्रिंट, तो आपको प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आपकी जो PDF है वो आपके मोबाइल या लैपटॉप से कर रहे हैं, जहाँ से कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे वो डाउनलोड हो जाएगी PDF। तो ये PDF को आप प्रिंट आउट निकाल दें, इसके साथ वैलिड ID प्रूफ के साथ आप एग्ज़ाम देने जा सकते हैं 11 नवंबर को, जिसकी टाइमिंग आपको बता दिया 12 से स्टार्ट होगी, तो आप सिंपली अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जिसने भी अकाउंट असिस्टेंट का फॉर्म फिल किया उसको वीडियो ज़रूर शेयर करना।